बहादुरगढ़ नाम के एक गांव में हरिया नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। हरिया के परिवार में सिर्फ हरिया और उसकी पत्नी ही रहा करती थी। हरिया वैसे तो बहुत गरीब था, लेकिन वह अपनी थोड़ी सी ही कमाई में बहुत संतुष्ट रहता। हरिया के घर के पास ही भगवान शिव का एक बहुत भव्य मंदिर था, जहां हरिया रोज सवेरे सवेरे पूजा करने के लिए जाता। हरिया की पत्नी बीते कई सालों से बीमार चल रही थी, लेकिन अब तो उस बेचारी की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगी थी। हरिया अपने गांव के ही एक वैद्य से अपनी पत्नी का इलाज कराता आ रहा था, लेकिन बात अब कुछ ज्यादा ही बिगड़ चुकी थी। देखो हरिया, मैं तुम्हें किसी भी तरह के धोखे में नहीं रखना चाहता, लेकिन तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। देखो, इस बात से तो तुम भी भली भांति परिचित हो कि तुम्हारी धर्मपत्नी की तबीयत कितने दिन से खराब है। अब ऐसे में ज्यादा जोखिम उठाना ठीक नहीं है। ज्यादा समय बेकार न करते हुए तुम अब अपनी पत्नी को शहर के किसी अस्पताल में दिखा लो। अच्छा ठीक है, मैं कैसे न कैसे करके पैसों का इंतजाम करता हूँ और जल्द ही शहर जाने की तैयारी भी करता हूँ। हे भोलेनाथ, आप तो अंतर्यामी हो, आपसे तो कुछ छिपा नहीं है, इसलिए मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है। आप तो पहले से ही सब कुछ जानते हो। मेरी पत्नी के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। उसके लिए मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो करूँगा, मगर हे देवों के देव महादेव, आप भी मेरा इसमें पूरा साथ देना। ऐसा सोचकर हरिया अपने ही गांव के एक सेठ सेठ धर्मदास के यहाँ गया। प्रणाम सेठ जी। अरे प्रणाम प्रणाम, कहिए कैसे आना हुआ? सेठ जी, वो मुझे अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए कुछ पैसे चाहिए थे, इसलिए मैं अपना घर आपके यहाँ गिरवी रखकर आपसे कुछ पैसे उधार लेना चाहता हूँ। अगर आप मेरे घर के बदले मुझे 20,000 रुपए दे दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी साहब। मैं कुछ समय में ही आपके पूरे पैसे लौटा दूंगा। चल ठीक है ठीक है, घर के कागजात तो लाया है ना? सेठ धर्मदास ने हरिया को पैसे देकर घर के कागजात ले लिए। अगले ही दिन हरिया अपनी बीवी को शहर के अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टर्स ने हरिया को बताया कि उसकी पत्नी का ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसके लिए कम से कम 20,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी। बेचारे हरिया ने 20,000 रुपए कैश काउंटर पर जमा करा दिए, लेकिन कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। ऑपरेशन के बाद भी हरिया की पत्नी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रह पाई और कुछ ही दिनों में वो स्वर्ग सिधार गई। हरिया बेचारा अब सेठ का कर्ज उतारने में लग गया। अपनी मेहनत से उसने लगभग आधे से ज्यादा कर्ज उतार दिया, लेकिन जब कर्ज खत्म होने में थोड़े से पैसे बचे, तब सेठ के मन में लालच आ गया और सेठ सोचने लगा, अगर हरिया ने मेरे सारे पैसे वापस लौटा दिए तो मुझे इसका ये घर वापस देना होगा। घर के लालच में धुत सेठ ने बेईमानी करने की सोची और हरिया से पैसे लेकर उसके खाते में न जोड़कर दूसरे नाम से दूसरे पन्ने पे लिख दिए। इधर हरिया को तो यही लगने लगा, उफ, अब तो मैंने सेठ जी के सारे पैसे चुका दिए हैं, अब तो बस आखिरी रकम बची है, उसे भी चुकाकर अपने घर के कागजात उनसे वापस ले लूंगा। कुछ दिनों बाद हरिया सेठ के बचे हुए पैसे लेकर उनके पास गया और बोला, सेठ जी ये लीजिए कर्ज की आखिरी रकम और मेरे मकान के कागजात वापस कर दीजिए। क्या बात कर रहे हो हरिया, तूने अभी तक पूरे पैसे वापस नहीं किए हैं, ये देख ले अपना हिसाब, पहले पूरे पैसे वापस कर, उसके बाद ही मैं घर के कागजात लौटाऊंगा। परंतु सेठ जी, मैंने तो आपके पूरे पैसे लौटा दिए हैं, आपके हिसाब में ही कुछ दिक्कत हुई होगी। अरे ओ हरिया, पैसे का लेन देन तो मेरा रोज का काम है, मेरे यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। हरिया के मकान के चक्कर में सेठ इतना अंधा हो चुका था कि उसने हरिया के नाम का एक नकली समन तैयार करा लिया और हरिया के पते पर भिजवा दिया। अरे भाई, आपके नाम से एक नोटिस कोर्ट से आया है, जिसमें लिखा है कि सेठ धर्मदास के पैसे न लौटा पाने की वजह से उनके यहाँ गिरवी पड़ा आपका मकान अब उनका हो चुका है। ऐसा सुनते ही हरिया बहुत परेशान सा होकर बोलने लगा, हे प्रभु, आप तो सब जानते हैं कि मैंने सेठ की पाई पाई चुका दी है, अब ऐसे में मैं क्या करूं? हरिया को इस तरह परेशान देखकर चपरासी ने हरिया से कहा, क्या हुआ भाई, आप इस तरह से रो क्यों रहे हो? क्या बताऊं भाई, मैंने इस सेठ की पाई पाई चुका दी है, लेकिन ये सेठ है कि मानने को तैयार ही नहीं है। अच्छा तो क्या आपको सेठ का कर्ज उतारते हुए किसी ने देखा था जो आपके पक्ष में गवाही दे सके? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है। सोचिए भाई, थोड़ा ध्यान से सोचिए, कोई तो होगा जिसने आपको सेठ को पैसे देते हुए कभी देखा होगा। हाँ
ऐसे तो शिव जी हमेशा मेरे साथ रहते हैं, उन्होंने जरूर मुझे सेठ को पैसे देते हुए देखा होगा, मेरे लिए तो बस वो ही गवाही दे सकते हैं। तो ठीक है, मैं कल अदालत जाकर उनके नाम से भी समन बनवा दूंगा और उन्हें गवाही देने के लिए नोटिस भी भिजवा दूंगा। जब आपको समन आएगा तब वो भी आपके साथ अदालत में जाकर गवाही दे सकते हैं। वो आपके पक्ष में गवाही दे देंगे तो सेठ झूठा साबित हो जाएगा, लेकिन ध्यान रहे जिस दिन आपकी तारीख हो उस दिन शिव जी को अपने साथ गवाही देने के लिए जरूर लेकर आना। तभी चपरासी ने अदालत में जाकर जज से कहा, अरे साहब वो आदमी तो बेचारा बहुत भोला है और बहुत परेशान भी है, उसका कोई करीबी है जिसने उसे सेठ को सारे पैसे देते हुए देखा है, जो इस केस में आकर गवाही देगा, तो आप कृपया करके शिव जी के नाम का एक समन बनाकर मुझे दे दीजिए। अगले दिन चपरासी समन लेकर हरिया के घर पहुंचा और उसने जाकर हरिया से कहा, अरे भाई जरा शिव जी का पता मुझे बताओ, मुझे ये समन उन्हें देकर आना है। शिव जी तो वो सामने वाले मंदिर में रहते हैं, लेकिन इस समय वो मिलेंगे नहीं, तो मंदिर की दीवार पर इस पर्चे को चिपका कर आ जाना, जब भी उन्हें समय लगेगा वो पढ़ लेंगे। चपरासी ने वैसा ही किया, वो मंदिर की दीवार पर समन को चिपका कर चला गया। अब अगले दिन अदालत में तारीख थी, जिसकी चिंता में डूबे हरिया को नींद नहीं आ रही थी। ऐसे में हरिया ने एक सपना देखा जिसमें भगवान शिव खुद हरिया से कह रहे थे, हरिया तुम परेशान मत हो, मैं खुद कल तुम्हारे पक्ष में गवाही देने के लिए अदालत आऊंगा। दूसरे दिन की सुबह सुबह हरिया और सेठ धर्मदास दोनों अदालत में पहुंचे। कुछ समय बाद ही अदालत की कार्यवाही शुरू हुई और चपरासी ने आवाज लगाई, शिव जी हरिया के पक्ष में गवाही देने के लिए कटघरे में हाजिर हों। शिव जी गवाही देने के लिए कटघरे में उपस्थित हों। शिव जी अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो गवाही देने के लिए आगे आए। ऐसा 3 बार आवाज लगाई गई, जिसके बाद एक लंबे से बालों वाला युवक अदालत में आया, जिसकी सुंदरता देखकर जज साहब भी कुछ समय के लिए स्तब्ध हो गए और थोड़ी देर बाद होश में आने पर बोले, क्या आपका नाम शिव है? जी मेरा नाम शिव है और मैं हरिया के पक्ष में गवाही देने के लिए आया हूँ। क्या तुम्हें पता है कि हरिया ने इस सेठ के सारे पैसे चुका दिए हैं? जी हरिया ने सारे पैसे चुका दिए हैं, लेकिन ये सेठ लालची है और मैं ये भी बता सकता हूँ कि हरिया का सारा हिसाब कहाँ पड़ा है। अच्छा ऐसा, तो बताओ मैंने कहाँ हिसाब लिखा है? सेठ ने अपने घर की दूसरी अलमारी के तीसरे खाने में एक पुस्तिका रखी है, उस पुस्तिका में हरिया का सारा हिसाब लिखा है। जब आप उस पुस्तिका को खोलेंगे तो उसके 6 नंबर पेज पर आधा हिसाब लिखा है, लेकिन इस बेईमान सेठ ने बाकी का हिसाब उस पुस्तिका के 35वें नंबर पेज पर लिखा है। शिव जी की बात सुनकर जज साहब ने 2 व्यक्तियों को सेठ जी के घर भेजा। उन्होंने शिव जी के कहे अनुसार वो पुस्तिका निकाली। जज साहब ने जब वो पुस्तिका पढ़ी तब उन्होंने पाया कि शिव जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन सेठ अब भी अपने आप को बचाने के लिए सभी तरह की दलीलें दे रहा था। अरे अरे ऐसे कैसे किसी भी आदमी की बातों पर यकीन कर रहे हो जज साहब? है कौन ये? आज से पहले तो कभी गांव में नहीं देखा इसे। सेठ की ऐसी बातें सुनकर स्वयं शंकर भगवान ने अपने एक रूप की झलक सिर्फ जज साहब को कुछ पल के लिए दिखाई, जिसे देखने के बाद जज को कुछ देर के लिए तो यकीन ही नहीं हुआ। ऐसा देखने के बाद जज के आंखों के सामने सारा मामला बिल्कुल साफ हो गया और उसने हरिया के पक्ष में फैसला सुना दिया। अब आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करो, ताकि हम आगे भी ऐसे ही अमेजिंग अमेजिंग कहानियां साथ में देखते रहें। और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखो।